ये काम कर रही है। और खेत मजदूर खवातीन नेटवर्क 4 जिला टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, जंग और साईवाल में खेत मजदूर खवातीन के हकूक की बहाली के लिए सरगर्म अमल। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ रफिया शफाक, मैडम श्रीनवान, बुशरा और दीगर मुकर्री कि किस तरह से उन्हें माशी और समाजी तौर पर दबाया जाता है और कैसे उनकी हकूक की पमाली होती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दावत दूंगी मैडम श्रीनवान साहबा को कि वो इस आज ये खवातीन के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि खवातीन जो है आपने अदा करती हैं कि खवातीन खेतमत के लिए इन्होंने कोशिश की। हमारा ये हम 6-7 अजला मिलकर टोबा टेक्सिंग साहिबा झानपुर साहिब और फैसलाबाद से तमाम खवातीन के साथ ये काम कर रहे हैं कि कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे कि औरतों की जो डेली वेजेस है जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं उसको मुकर्रर किया जाए। कहीं 100 रुपये है, कहीं 50 रुपये दी जाती है, कहीं 150 दिया जाता है, कहीं 200 भी मिल जाता है। ये बहुत बड़ा एक क्या कह सकते हैं नाइंसाफी हो रही है। हम चाह रहे हैं कि जो खेत मजदूरी करते हैं तो तय हो चुकी है, एक रिदम है, एक चल रहा है सिलसिला, लेकिन अफसोस है कि खवातीन के साथ ये कोई सिलसिला है। खवातीन जो है वो मेल और फीमेल इकट्ठे ईंटों के पैसे लेते हैं और फिर ये नहीं कि औरत कर रही है, ये मर्द कर रहा है। यहाँ पर ये एक बड़ी तमीज़ और तकलीफ है पहले बार, लिहाजा इस जो नाइंसाफी है इसको दूर करने करती है, फिर वो खेत का करती है, फिर अगर अपने माल मवेशी को भी पालती है, लिहाजा ये एक जिस्म ही है, एक दिमाग ही है। वो कहाँ तक खर्च की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक काम दे रहे हैं कि इन खवातीन के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। खेत मजदूर औरत जो है ये बड़ी मेहनत से यानी कि काम करती है। पहले वो सारा दिन अपने घर में अपने बच्चों का करती है, उसको राशन बनाती है, फिर उसके बाद तो हमारे लिए अर्थ का होना या ये कन्फ्रेंस होना ये ज़रूरी है कि उस मजदूर औरत के लिए ऐसा कोई नहीं कह सकते औरत के लिए जो है ना मर्द के बराबर होना चाहिए। औरत बेचारे सारा दिन जो है काम कर, तो हमने नोटबंदी की हुई है अपने विचारों से काम कर। फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और साहिवाल जो है वो शामिल हैं। तो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि जो खेतों में औरतें काम करती हैं हम उनके हकूक़ के लिए जदोजहद करें, हम उनके साथ खड़े हों ताकि वो जो पिसी हुई औरतें हैं वो मुआशरे में अपना काम मिलती है। अगर देखा जाए तो एक मर्द अगर वही काम करता है तो उसको उसका मुआवजा जो है वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन औरतों को कम मिलता है। क्योंकि हमने ये हम सिर्फ मतलब देख के ये बातें नहीं कर रहे, बल्कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जाके गांव में जाके उनकी जगह पे जाके उनके साथ बातचीत करके तो ये जो उनकी मतलब बातें हैं वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे एरिया से हमारी यहाँ पे मतलब मेंबर खवातीन जो हैं वो आज मौजूद हैं। अगर बाद में आप उनसे बात करना चाहें या कोई सवाल उनसे पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का यही दीम शहजाद वो दोनों यहाँ आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो अपनी स्टोरी जो है वो अपनी ज़बानी बयान करें ताकि हमारे मीडिया के जो भाई हैं इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको हाईलाइट करें ताकि इन मजलूमों को इंसाफ जो है वो दिया जा सके। टी वी है तो बहुत काम करवाते सन मार मार के, फिर जे मैं छुड़ाने वास्ते अगे होंगी सर तो मैनू भी मारते सन। साढ़े नाल बड़ी जास्ती है जी, एक बारी रात उन्हें जट्टा ने बहुत इन्हू मारिया, दूसरी रात उन्हें मेरे ना बड़ा वादा किया जी, उन्होंने मेरे कपड़े पाड़े, मेरा बड़ा बुरा हाल किया। आ देखो मेरे कपड़े, मेरे ना बड़ी जालती हुई है जी, तुम्हारे तो स्वाद कदा तो स्वाद मेरा कोई भी नहीं, मेरी मदद करो नहीं हो सकता। उसका नाम हाँ जी, ओ ना खालद जाट है।
360 ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੜਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਲੁਕਿਆ।